जिला परिषद के पूर्व चेयरमैन व थानेसर से चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुके प्रवीण चौधरी ने रविवार को ब्रह्म सरोवर स्थित केएस पैलेस में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। सम्मेलन में सभी कार्यकर्ताओं ने पार्टियों की बजाय इस बार थानेसर की जनता से टिकट लेने का फैसला किया है। इस पर प्रवीण चौधरी ने कहा कि थानेसर के प्रत्येक घर में वे खुद जाकर लोगों से टिकट मांगेंगे। उन्होंने कहा कि अब तक पार्टी जिसे टिकट देती थी जनता को उन्हें वोट देना पड़ता था, इस बार वे खुद जनता के पास जा रहे हैं ताकि इस बार जनता अपने टिकट पर उन्हें थानेसर से चुनावी मैदान में उतारे। चलिए आगे देखते हैं प्रवीण चौधरी ने क्या कहा। नरेंद्र मोदी जी के द्वारा और उसके मंत्रालय के द्वारा भी हम लोगों को मान सम्मान दिया गया और विकास के लिए कुछ तरह के पैसे भी दिए गए, तो मैं मानता हूँ ये कोई टिकट से कम नहीं है, क्योंकि जिस जो सरकारें मान जाएं कि एक योग्य व्यक्ति है, काबिल व्यक्ति है, तो हम मानते हैं कि बार बार टिकट दो टिकट दो टिकट तो कई बार पार्टी एक ही व्यक्ति को दे सकती है, अधिकतर जाति और धर्म के चक्रों में आ जाती हैं पार्टियां भी। इसलिए हम तो हर घर के अंदर जाकर हर व्यक्ति से बात करके मुद्दों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, आशीर्वाद लेकर इंडिपेंडेंट। आज की स्थिति में सभी थानेसर वासियों ने जो अपने साथी इकट्ठे हुए थे उन्होंने आशीर्वाद ज्योतिसर में भी यही दिया था इंडिपेंडेंट का। आज भी इंडिपेंडेंट क्या इंडिपेंडेंट तो कहने का होता है, लेकिन इंडिपेंडेंट नहीं टिकट पर लड़ेंगे, टिकट थानेसर हल्के के हर घर से लेंगे टिकट, क्योंकि हमारे थानेसर हल्के के लोगों के मन में एक बात रहती है कि हम लोग टिकट पे बात क्लियर हो जाती है चुनाव में। लेकिन कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है कि टिकट तो लिया है ये पार्टी तो नहीं आती, वो पार्टी तो नहीं आती, फिर विकास कैसे होगा। हम लोग चाहते हैं कि कोई भी पार्टी कोई भी दल है अगर जनता हमें नेतृत्व दे दे तो हमें काम करवाना प्यार से आता ही है, हम हर पार्टी हर दल से काम करवा सकते हैं। मोदी लहर इसमें नेता डर है, मोदी लहर हम लोग तो एक ही बात कहते हैं, मैंने भाषण में भी कहा है मोदी लहर जो समय था जो कुरुक्षेत्रा विकास के लिए मोदी जी ने कृष्णा सर्किट के लिए पैसे दिए, मैं तो अक्सर उनका धन्यवाद भी करता हूँ। हम लोग मोदी के खिलाफ नहीं है, हम लोग कोई बीजेपी के खिलाफ नहीं है, हम लोग कोई कांग्रेस के खिलाफ नहीं है। जब समय कांग्रेस का था उन्होंने भी अपने समय में काम किया ही है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी बहुत अच्छा काम किया है। हम लोग सभी पार्टियों के, क्योंकि मुझे जब अवार्ड दिया मैं तो दोनों के ही नेतृत्व में जो उन्होंने अच्छी सोच रखने का उन्होंने मेरे को मार्गदर्शन दिया उसी के अनुसार मैं। अर्थ प्रकाश के लिए कुरुक्षेत्र से कलतार सिंह की रिपोर्ट। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।